चाहे वैसा हो जाए, कभी छुप जाए नजर ना आए। दूसरी दुनिया से आया है, दुश्मन की खोज उसे लाया है, जिसने तबाही मचाया है। भागने से स्टैमिना बढ़ता है, फिर तो तुम घोड़े की तरह हो। ये तेरा फ्रेंड आ गया। हाय शक्ति। हाय सनी। इधर कैसे आना हुआ? क्यों, मैं ऐसे नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, मुझे मेरी हिस्ट्री की फाइल रख दे। ओह, मेरे बैग में, एक सेकंड ना। चल ही दे। देता हूँ बाबा। वो बेवकूफ यूं ही डर रहे थे। ना तो सनी को कुछ हुआ है और ना ही इस घर में कोई गड़बड़ है। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अगर तुम शक्ति को लेने नहीं जा रहे हो ना, तो मैं जा रही हूँ शक्ति को लेने। हे भगवान, अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तूने देखा ना चरणजीत, शक्ति सनी को मिलने अंदर गया था और हमें और एक दूसरा सनी बाहर मिलता है, मतलब दो दो सनी, मतलब वो भूत ही है। भूत? मेरा सिर। अच्छे बोले सनी को इन बुद्धुओं ने भूत भूत कहकर बदनाम कर दिया, बेचारा सनी। अरे शक्ति बेटा बैठो। नहीं अंकल, मैं चलता हूँ, घर पे मेरा सब इंतजार कर रहे होंगे। बाय सनी। बाय अंकल। बाय शक्ति। मुझसे अब शक्ति का और इंतजार नहीं होता। तो मत करो ना इंतजार, तुम्हें किसने कहा उसका इंतजार करने के लिए? किधर चले गए? कमाल है, इन बेवकूफों ने मेरा वेट भी नहीं किया, मैं तो चला। किंग अरांगो। आओ सुरती, देख रहे हो कहां से कहां आ गया हूं मैं। क्या बात है किंग अरांगो, आज कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं आप। हाँ सुरती, आज मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, मगर इसलिए नहीं कि बोंगो ने मेरी लैब तबाह कर दी, बल्कि इसलिए सुरती कि उसकी वजह से मुझे अपना एक बहुत बड़ा मिशन बीच में ही रोकना पड़ रहा है। कौन सा मिशन किंग अरांगो? किंग ऑफ ब्रह्मांड बनने का। मेरा एक गुलाम प्रोफेसर मिराटा कई सालों से मेरे लिए एक ऐसी सुपर पावर मिसाइल बनाने में लगा हुआ है जो अब तक यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट के पास नहीं है, मगर अब मुझे प्रोफेसर मिराटा को मिसाइल का मिशन बीच में रोककर एक ऐसी रिसर्च पर लगाना होगा जिससे इंसानों को एलियंस में बदला जा सके। उसके बाद मैं बोंगो को बताऊंगा कि अरांगो से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। मैं उसके चहेते सनी को एलियन बनाने के बाद अपना गुलाम बनाऊंगा और फिर उसी से बोंगो को खत्म कराऊंगा, ये मेरा वादा है। बोंगो, बोंगो, बोंगो। कैसे बाप हो तुम? अपने बेटे की कोई परवाह ही नहीं? तुम यही बैठे रहो, अब मैं ही उसे लेने जा रही हूँ। जाओ, 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 जाओ। मेरा बच्चा, मेरा शक्ति आ गया, मेरा लाल, मेरा बच्चा आ गया। लगता है कि मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। अरे बेटा, 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 इधर, इधर। आप कोई गलत घर में नहीं आए बेटा। दरअसल बात ये है बेटा कि अपने घर के कुछ लोग बदल गए। लेकिन पापा, मम्मी ने अपनी ये कैसे हालत बना के रखी है? बेटा, आपकी मॉम को ये डर लग रहा था कि सनी नाम का भूत आपको खा जाएगा। क्या मम्मी, आप भी रॉकी की बातों में आ गई? कल अगर रॉकी कहेगा कि पापा भूत है तो क्या आप मान जाएंगी? ए, मेरा एग्जांपल मत दो। वो क्या ना बेटा कि आपकी मॉम की नजर में मैं वैसे भी भूत हूँ। हाँ, अगर एग्जाम्पल देना है तो आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो तुम्हारी मॉम का चेहरा। भूत, रॉकी। मेरा बच्चा। कल रॉकी कहेगा कि मैं भूत हूँ। आप खुश?
ओ यार रॉकी, उस दिन तो कमाल ही हो गया, शक्ति बच कैसे गया? लगता है उस दिन भूत को भूख नहीं लगी होगी इसीलिए। लो आ गए जनाब। देखो इतना टाइम लगता है तैयार होने में। किसने कहा था मेरा इंतजार करने के लिए? और स्कूल पहुंचने की जिसे भी जल्दी वो चला जाए। हमें कोई इंतजार करने का शौक नहीं है। हाँ। वो तो आज स्कूल बस नहीं आने वाली थी तो हमने सोचा हम सब पैदल चलते हैं। चलो। ए शक्ति, तू इस तरफ क्यों जा रहा है? स्कूल तो इस तरफ है। सनी को लाने। तू बिना सुधरेगा नहीं, एक बार उसके हाथ से बच चुका है, बार बार नहीं बचेगा। ओए शट अप, ओए जब देखो तो भूत 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 की रट लगा रखी है। सनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, अंडरस्टैंड? आज नहीं बचने वाले। चलो यार। हाँ चल। यार शक्ति, तू इतनी लंबी लंबी क्यों फेंक रहा था? वो अकेले सिर्फ मैं ही फेंक रहा था। तू देखा नहीं वो लॉटरी से कितनी लंबी लंबी फेंक रहा था? और वैसे भी मैं आदमी देख कर ही फेंकता हूँ। अब क्या हुआ? पेट में गड़बड़। यार इतनी लंबी लंबी फेंक के भी तेरे पेट में दर्द हो रहा है? हाय शक्ति, हाय सनी, हाय आशु। बाय आशु, बाय सनी। अरे शक्ति, जाते जाते बताएगा नहीं आशु को कि तेरे पेट में क्या हुआ है? टाइम नहीं है, तू ही बता देना। बाय। इसको क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि ये आज स्कूल आ पाएगा। चल हम चलते स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उन महिलाओं के बारे में जो अपने अपने क्षेत्र की सर्वप्रथम भारतीय महिला थी। क्या आप जानते हैं सबसे पहली महिला सर्जन का नाम क्या है? ओके, मैं बताती हूं। सबसे पहली महिला सर्जन का नाम है प्रेमा मुखर्जी। आई होप आप इनका नाम नहीं भूलेंगे। प्रेमा मुखर्जी जो एक बहुत ही कामयाब सर्जन थी। क्या पढ़ा रही थी? बताओ, बोलो। सनी स्पीक अप। आप लोगों का रोजाना यही हाल है। आई एम नॉट अ स्टूपिड कि इतने देर से पपक की जा रही हूं। बताओ सनी, आई वांट टू हियर। बताओ स्पीक अप, मैं क्या पढ़ा रही थी? सनी, आई वांट टू हियर, मैं क्या पढ़ा रही थी? मैं सुनना चाहती हूं। सनी, शो योर हैंड, शो योर हैंड। थैंक यू बोंगो, मुझे मालूम है तुम यहीं कहीं हो। सनी जैसे इंटेलिजेंट बच्चे को टीचर से डांट पड़ सकती तो हम लोग क्या चीज है? लेकिन सनी, जब बुआ क्लास में पढ़ा रही थी तब तू क्या कर रहा था? कुछ नहीं यार, पता ही नहीं चला जब साइंस की किताब में कब खो गया। हिस्ट्री के पीरियड में साइंस पढ़ा था, अब ये तू क्या कोई नया रिसर्च कर रहा है? नहीं यार, आज ध्यान थोड़ा इधर उधर भटक रहा था, इसी कंफ्यूजन में हिस्ट्री की बजाय साइंस की किताब कब पढ़ ली पता ही नहीं चला। देख, तू झूठ मत बोल,
मैंने खुद देखा था, तू किसी की तस्वीर देख रहा था। तस्वीर? हाँ, और तू उसी तस्वीर को देखकर कहीं खो गया था। तस्वीर? हाँ, मैं शिवानी दीदी की तस्वीर देख रहा था, उनकी बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए। तू झूठ मत बोल, सच सच बता, तू किसकी तस्वीर देख रहा था? अरे मैंने कहा ना, शिवानी दीदी की। शिवानी दीदी की तस्वीर देख रहा था तो हमें भी दिखा। नहीं देखा, तू झूठ बोल रहा था ना। मैंने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेट मी गो। क्या किया आशा तूने, उसको नाराज कर दिया ना। अब वो तेरी तस्वीर देख रहा है, शिवानी दीदी की देख रहा है, किसकी भी देख रहा है, तुझे उससे क्या है। चलो अब यहाँ पे खड़े रहोगे या घर भी चलोगे? हाँ चलो, सनी के बच्चे को मनाने के लिए। देख मैंने कितनी बड़ी बत्ती बनाई। ये आशू जल्दी करना, हम लोग बाहर पटाखे फोड़ने कब जाएंगे यार। चलो चलो, ये भी है फास्ट फटाफट। वाह मुझे जाने दो ना, थोड़े से दिए बाकी, आप खुद जला देना प्लीज। आशू ये सारे दिए मैं जला सकती थी, लेकिन तुम बड़े हो गए हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें हमारी संस्कृति के बारे में पता चले, ठीक है? बुआ संस्कृति के बारे में किसी और दिन बता देना, आज मुझे पटाखे फोड़ने जाना है, बहुत देर हो गई है, जाने दो ना प्लीज। यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि दीपावली का मतलब सिर्फ पटाखे छोड़ना नहीं है, समझे? हाँ बुआ मैं जानता हूँ कि दिवाली का मतलब होता है कि घर को सजाना, लक्ष्मी माता की पूजा करना, घर को सजाना संवारना और कुछ। अच्छा अच्छा, मैं जानती हूँ कि तुम सब जानते हो, तो सबसे पहले एक काम करो, जाओ जाकर तैयार हो के आओ, हमें सबसे पहले लक्ष्मी पूजन करना है, समझ गए? चलो अच्छा अभी आया मैं, और तुम लोग फटाफट ये तैयार करो। चलो फटाफट। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावाया वेन्दरस्तुतिः। भूमि को स्पर्श कर ले। आम पृथ्वी तैयार चालू का देवी तम सन्नाता तम चारि माम देवी पवित्रम कुरु शासनम। आम गंधद्वारां दुरारल्णां ऋतपुष्टां चरीचनीं केसरीं सर्वभूतानां साम्योपवेश्यम् श्रीगंधं चंदनं दिव्यं गंडाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं प्रत्येक चंदनं प्रतिगृह्यतां वा। अब लक्ष्मी मैया का ध्यान करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। ॐ श्री चते लक्ष्मी च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमग्निनौ व्याप्ताम् लक्ष्मी। अब हम सब लोग मिलके माँ की महा आरती करेंगे, ठीक है? सब लोग खड़े हो जाएं और आरती करेंगे। पटाखे कब जलाएंगे? चंद्रमा मनसा जातरथो सूर्यो अजायत रोत्रायुष प्राण च मुखादग्निरजायत। ओम। अब मैं एक तरफ बोलूंगा, बाद में आप लोग दोहराएंगे, ठीक है? ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निशि दिन सेवत, तुमको निशि दिन सेवत, हर विष्णु विधाता मैया, जय लक्ष्मी माता। उमार मा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य
बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। आराधिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम। आरती माँ को दिखा दीजिए ऐसे। हाँ देवा अभिवंदनम। अब स्वयं में आरती ले लीजिए, लीजिए दोनों हाथ से। हाँ पंडित जी, अब हम जाकर पटाखे फोड़े। हाँ हाँ खूब जगाइए खूब। से लाया है बंगो, बंगो। जिसने तबाही मचाया है।